झारखंड पड़े बार हिमाचल प्रदेश रोपवे विभाग हिमाचल प्रदेश सोलाने माझपथे आज के रोपवे पारवाने माझपथे रोपवे आज के सात जन पर्यटक आज के पड़ा पर्यटक उद्धारे नामलो हेलिकॉप्टर कोई नहीं फ्रेश हिमाचल प्रदेश सोलाने माझपथे आज के रोपवे पारवाने माझपथे रोपवे ते आज के सात जन पर्यटक आज के पड़ा पर्यटक उद्धारे नामलो हेलिकॉप्टर देखिए कुल आठ लोग उसमें फंसे हुए थे, अब तक तीन लोगों को बचाया जा चुका है। ये हादसा हुआ है सोलन जिले के परमाणु में टिम्बर ट्रेल रोपवे पर, और ये रोपवे पर तकरीबन 30 साल पहले 1992 में भी ऐसा हादसा हुआ था, लेकिन अभी जो ताजा हालात है वहां पर चौथे टूरिस्ट जो कि महिला है उनको भी निकाला जा रहा है। आठ में से चार को रेस्क्यू कर लिया गया है, और इस रोपवे में जब ऊपर से पहाड़ी के ऊपर से नीचे की तरफ वापस आते हैं बेस की तरफ, उससे तकरीबन जब ये ट्रॉली चली है नीचे आने के लिए, उसमें से 250 से 300 फीट की ऊंचाई पर जो है वहीं पर ये अटक गई, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग जो टिम्बर ट्रेल मैनेजमेंट के लोग हैं वो मिलकर रस्सी की सहायता से एक एक कर लोगों को नीचे निकाल रहे हैं। मुश्किल ये भी आ रही थी कि जो लोग फंसे हैं उसमें से चार से पांच महिलाएं थी, और उनको ये लग रहा था कि रस्सी से नीचे तक जमीन तक उतरना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात इस पूरे हादसे में एक ये भी रही है कि जहां पर ट्रॉली अटकी है वो इतनी ऊंचाई नहीं है जहां से कि नीचे निकाला ना जा सके। चार जिन टूरिस्ट को निकाला गया है वो तकरीबन 250-300 मीटर की ऊंचाई से ट्रॉली से रस्सी की मदद से उनको निकाला जा चुका है, और बाकी चार जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने का ऑपरेशन जारी है। फंसी हुई ट्रॉली के अंदर जो टिम्बर ट्रेल मैनेजमेंट है और जो रोपवे वाले हैं उनका स्टाफ भी मौजूद है, और वो एक एक करके लोगों को रस्सी की मदद से नीचे तकरीबन 250-300 मीटर जो है वो नीचे जमीन पर भेज रहे हैं, वहां से उनको निकाला जा रहा है। इससे पहले मैं बताऊं 30 साल पहले एक बिल्कुल बीचों बीच इस पहाड़ी के बीचों बीच फंस गई थी एक ट्रॉली, और वो ऑपरेशन तकरीबन 8-10 दिन लंबा चला था और उसको सेना ने अंजाम दिया था। उसके बाद ये 30 साल बाद अब ये हादसा हुआ है। प्रशासन ने कहा इस बात की जांच करवाई जाएगी कि मुरम्मत और मेंटेनेंस का काम कब हुआ था और ये आखिरकार क्यों इस तरह से फंसी है ये पूरी की पूरी ट्रॉली। तो ताजा सूरत हाल ये है कि आठ में से चार टूरिस्ट को निकाल लिया गया, चार को निकालने का काम अभी जारी है। शुक्रिया जगविंदर जी। একদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সোলানে সেখানে উদ্ধার কাজ চলছে, চারজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, বাকি চারজনকে উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে একইভাবে একই রকম ঘটনা ঘটেছিল এপ্রিল মাসে ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে রোপওয়ে দুর্ঘটনা ঘটে এবং সেখানে প্রাণ হারান তিনজন পর্যটক। একই সঙ্গে আপনাদের সামনে দু জায়গার ছবি তুলে ধরছি। এপ্রিল মাসে দেওঘরে যে ঘটনা ঘটে রোপওয়ে মাঝপথে আটকে যায় এবং তারপরে উদ্ধার কাজ চলাকালীন তিনজনের মৃত্যু হয়, তিনজন পর্যটকের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে সোলানে এই মুহূর্তে উদ্ধার কাজ চলছে, চারজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, বাকি চারজনকে নামিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে। सोलाने जे समस्त पर्यटक अटके पड़े तारा की बोलछेन सुनाबो। हम मोक्षा में आए थे यहाँ पर, और मैं शुगर का और मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है, हाथ में फिशुला बना हुआ है। ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम रोपवे से इससे उतारेंगे, हम इसको रस्से से उतारेंगे नीचे जंगल के अंदर, हम उतरने के लायक नहीं है और हम लोग बड़ी उम्र के लोग हैं, हम उससे नहीं उतर सकते। मैं शुगर बीपी की मरीज हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, घुटने की परेशानी, मुझे घुटनों की भी परेशानी है, मैं नहीं उतर सकती। सर आई एम अ हार्ट पेशेंट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट आउट लाइक दिस। हम लोग बहुत परेशान हैं, 1.5 घंटे से यहाँ पर अटके हुए हैं और हम लोगों को बहुत डर लग रहा है यहाँ पर, हम रस्सी से नहीं उतर सकते। 1.5 घंटा हो गया सर, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, हालत खराब हो चुकी है अंदर से।